तो दूसरे दिन की शुरुआत होती है और शुरुआत के साथ ही देखने को मिलता है मुनावर फारूकी और मनारा चोपड़ा के बीच में एक बहुत ही प्यारी सी नोकझोंक वाली एक कन्वर्सेशन, जहां पे उनके बीच में बढ़ रही जो एक बॉन्ड है, जो एक उनका इक्वेशन है, और भी बेहतर होता नजर आ रहा है। लोग दोनों आपस में ही काफी फ्लर्ट के वे में एक दूसरे से बात करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह कि सिर्फ और सिर्फ मुनावर के साइड से ऐसा नहीं है, मनारा चोपड़ा के साइड से भी सेम अप्रोच है मुनावर फारूकी के लिए, और दोनों ही काफी फ्लर्टी वे में इस कन्वर्सेशन को आगे प्रोसीड करते हैं और बात बात में ही अपने एक दूसरे से बात करते हैं। और वो और कहीं ना कहीं बहुत हद तक ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है फैंस एंड ऑडियंस के थ्रू कि मुनावर का जो है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी है। ऐसा ही कुछ उन्होंने लॉकअप में भी कर रखा था, जहां पे मुनावर और अंजलि उसमें बहुत ज्यादा चले थे और उनके बॉन्ड को बहुत ज्यादा प्यार दिया गया था फैंस की तरफ से। उनके हैशटैग्स भी बने थे मुनावर और अंजलि के, और अभी इस बार मुनावर और मनारा नाम भी बहुत मिलता जुलता ही है लगभग। तो अभी इस बार भी क्या वही सेम स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं मुनावर फारूकी अलोंग विथ मनारा चोपड़ा, क्योंकि बातें कहीं ना कहीं वैसी ही बढ़ रही हैं और वैसे ही जो इक्वेशन है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है और दोनों की तरफ से सेम अप्रोच है एक दूसरे के लिए। खैर, आपका क्या कुछ कहना है, आपको कैसे लगने वाले हैं मुनावर और मनारा एक साथ एज इन जोड़ी फॉर द बिग बॉस का सीजन 17, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही ऐसी और भी अपडेट्स को देखते और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मी स्टारलेट एंटरटेनमेंट को।